वर्षों के बाद मेरी आंखें भैया राम भाभी सीता और मेरे लक्ष्मण को देख सकेंगी। कितनी खुशी का दिन है आज। प्रहरी प्रहरी सुनो, सारी अयोध्या में भोली पिटवा दूंगा कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। सारी अयोध्या को किताबें ज्ञान से ज्यादा जरूरी है कि विद्यार्थियों का चौमुखी विकास किया जाए। नेशनल पब्लिक स्कूल हजारीबाग अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार अपने स्थापना काल से ही विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का आयोजन अपने विद्यालय प्रांगण में करते आ रही है। इसी क्रम में आज भव्य तरीके से विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एहसानुल हक, सीबीएसई नगर संयोजक सह प्राचार्य, ओएसिस स्कूल हजारीबाग सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी परिमल कुमार एवं नेशनल पब्लिक स्कूल के निर्देशक विश्वामित्र, प्राचार्य धीरेन्द्र कुमार सिंह, उप प्राचार्य कुमारी सोनी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित के साथ विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह एवं स्वर्गीय कौशल्या देवी के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। विद्यालय के वार्षिक महोत्सव को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक विश्वामित्र ने कहा कि विद्यालय का स्थापना 1977 में स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह एवं गायत्री देवी के द्वारा स्थापना की गई थी। शुरुआत के दौर में 5 बच्चों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने की शुरुआत की गई थी, जो 47 वर्ष से आज तक चल रही है। मुख्य अतिथि पंचानन उराव ने कहा कि आज के माहौल में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किताबों तक ही सीमित नहीं है, इसलिए जरूरी है कि स्कूलों में विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के अलावा हर प्रकार की शिक्षा दी जाए। नेशनल पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को ऐसी ही शिक्षा दी जाती है। सभी स्कूलों को इस प्रकार की शैली का अनुसरण करना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत में जहाँ बच्चों के स्वागत की इतने अतिथियों का मन मोहा, वही स्वागत नृत्य गणेश वंदना ने सभी को चंबित किया। छोटे छोटे बच्चों के साथ लड़कियों ने महिला सशक्तिकरण पर आधारित प्रस्तुति से समाज को एक विशेष संदेश देने का प्रयास किया। नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा के माध्यम से जहां बच्चों ने बताया कि एक मूर्ख राजा किसी राज के लिए कितना नुकसानदायक है, वही कि जैसी करनी वैसी भरने से अपने बुजुर्ग माता पिता का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए, ऐसे संदेश देने का प्रयास किया। भारतीय एवं झारखंडी वेशभूषा में बच्चों ने अपने रैंप वॉक से पूरा समा ही बदल दिया। वही कार्यक्रम के अंतिम पायदान में प्रस्तुत नाटक भरत मिलाप ने दर्शकों को सीधा सतयुग की याद दिलाते हुए अयोध्या में राम दरबार के दर्शन करा दिए। मंच संचालन निधि सिंह एवं अबीरा जबीर ने किया। हजारीबाग ब्यूरो, प्रदीप पाठक की रिपोर्ट।